नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा, हिरासत में पूर्व मंत्री का बेटा, मेरठ सपा विधायक शाहिद मंजर के घर देर रात पहुंची पुलिस। अलीगढ़ में बालकनी से गिरकर कारोबारी की मौत, छत का निर्माण कार्य देखने गए थे, गाजियाबाद में हुआ अंतिम संस्कार। वीसी विनय पाठक के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, उनकी तस्वीरों पर नोटों की माला पहनाई गई, गंगा में विसर्जित करेंगे पाठक की खड़ाऊ। मेरठ में बसपा नेता की फॉर्च्यूनर से पिस्टल कारतूस बरामद, एसएसपी ऑफिस के बाहर खड़ी थी कार। रायबरेली गोवंश के हमले से किशोर की मौत, ग्रामीणों व परिजनों शव को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार से मुआवजे की मांग की। बिना पिस्टल लौटे दरोगा सस्पेंड, प्रयागराज के करबला पुलिस चौकी इंचार्ज जगनारायण सिंह 3 दिन से थे लापता। शाहजहांपुर में सपा नेता की निर्मम हत्या का मामला, छत के नीचे से लेकर दरवाजे की कुंडी पर लगा था खून का। सीतापुर में फिल्म पठान की रिलीज को लेकर पुलिस अलर्ट, एसयूएम सिनेमा हॉल पर पीएससी रहेगा पहर। सुल्तानपुर में 12 साल का बच्चा लापता, मामा के घर पर रहता था, मोबाइल देखने पर फटकार लगाने से था नाराज। इटावा के सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म पठान, मल्टीप्लेक्स संचालकों ने पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। हरदोई में विरोध का अनोखा तरीका, घोड़े पर अराजक तत्वों ने लगाए पोस्टर, लिखा मैं हूं जिला पंचायत राज। शाहजहांपुर में रुपए मांगने का वीडियो बनाने से भड़के पुलिसकर्मी, सिपाही दौड़ाता रहा, युवक ने सिपाही का बनाता रहा वीडियो। सिटी बसों में सफर करना हुआ महंगा, सिटी ट्रांसपोर्ट की बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त निधि स्वीकृति, 5-5 रुपए हुई बढ़ोतरी। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, सामान लेने बाजार जा रहा था, बदमाशों ने रास्ते में रोककर सिर में किया फायर। मौर्य के बाद एक और सपा नेता का विवादित बयान, ब्रजेश प्रजापति बोले रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां। रेलवे में ई टिकट बेचने वाले 3 गिरफ्तार, सहारनपुर में जनसेवा केंद्र में एजेंट बना रहे थे फर्जी टिकट। प्रशासन ने सत्याग्रही किसानों का आंदोलन कराया खत्म, मथुरा में चल रहा था 18 दिन से आंदोलन। आईजी रेंज लखनऊ से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की, कहा मुकदमों का तय समय पर निस्तारण करें। दिल्ली एनसीआर का वाहन चोर कासिम गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने पकड़ा, डिमांड पर चोरी करता था गाड़ी। गोंडा में खेत पर गई 4 लड़कियां लापता, परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस और एसटीओ टीम तलाश में जुटी।
कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी में लगी आग। मुरादाबाद में बुध बाजार इलाके में आग की लपटों से घिरी कार देखकर सहमे लोग। अमेठी में हादसे में बच्ची की मौत, परिजनों ने कोतवाली पर शव रखकर किया प्रदर्शन, बोले एसएचओ ने डांट कर भगाया। एक्शन मोड में नोएडा पुलिस, एक दिन में किया तीसरा एनकाउंटर, दो बदमाशों के लगी गोली, 16 मुकदमे हैं दर्ज। चित्रकूट में भ्रष्टाचार की जांच में पहुंची टीम, तथ्य जुटाकर शासन को सौंपेगी रिपोर्ट, सदर विधायक ने शासन से की थी शिकायत। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर का बयान, बोले धार्मिक किताब की तौहीन करना दिया जाए जुर्मे करार। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 12 घंटे रेस्क्यू, छत काटकर 14 लोगों को निकाला, अंदर फंसे लोगों को दी जा रही ऑक्सीजन। किसान पर गिरी हाई टेंशन लाइन, मौके पर हुई मौत, तेज धमाके के साथ लगी आग, 11,000 लाइन के नीचे कर रहा था काम। जेल से छूटे अपराधी को बदमाशों ने मारी गोली, वाराणसी में पत्नी को कार से छोड़कर लौट रहा था, ठेके पर रोकी थी कार। पूर्व विधायक और लखनऊ एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, बीजेपी नेता राकेश सिंह को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप पर किया मैसेज। गाजीपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, धरने पर बैठे गुस्साए ग्रामीण, अफसरों ने दिया नई प्रतिमा लगाने का आश्वासन। अमरोहा में यूपी दिवस के अवसर पर मेला और प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, ये प्रदर्शनी 26 जनवरी तक चलेगी। औरैया में बंद कमरे में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में यातायात सुरक्षा हेतु कुछ न हो कुछ कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना हो सकता है खतरा। बुलंदशहर में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग घटना में महिला सहित 4 लोग घायल। गाजियाबाद के जेल रोड बंद रेडियो स्टेशन जॉकी के स्टेशन, इस पहल से कैदियों की सोच में आएगा बदलाव। नकली घी का कारोबारी ने पत्रकारों के साथ किया अभद्रता, वायरल वीडियो के बाद माफिया के गोदाम को किया गया सील। गाजियाबाद में असलहे के साथ युवक का रील वीडियो वायरल, वीडियो वायरल में युवक तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली गर्म चाशनी गिरने से महिला बुरी तरह से झुलसी, गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। प्रयागराज में मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, स्कूलों में चलाए जा रहे मेंटल हेल्थ कार्यक्रम। भाषयूमियों के महामंत्री का ऐलान, स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5,00,000 इनाम, बोले भ्रष्ट हो गई है सपा नेता की बुद्धि। कासगंज में आश्रम के पास पेड़ पर लटका मिला बाबा का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अलीगढ़ में तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट, लूट का वीडियो आया सामने। तमंचा तान कर दुकानदार से मांगे रुपए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुकानों में घुसा, हादसे में कोई हाथाहाथ नहीं। कानपुर से मुरादाबाद जा रहा था ट्रक। अलीगढ़ में ईदगाह की गुम्बद टूटने की सूचना से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे शासन प्रशासन के आला अधिकारी। बुलंदशहर में कपड़ा व्यापारी के घर में घुसे बदमाश, शोर मचाने पर बदमाशों ने की फायरिंग, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में पठान फिल्म देखने के लिए उमड़ी भीड़, पठान का पहला शो दिखाने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। अमरोहा में सर्विसलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, सर्विसलांस टीम ने लगभग 12 लाख रुपए की लागत के 81 मोबाइल फोन बरामद किए। बुलंदशहर में व्यापारी को पत्नी ने दिखाई बहादुरी, घर के लूट के इरादे से घुसे युवक का महिला ने विरोध किया है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत, अदालत ने लगाई सशर्त, यूपी और दिल्ली से दूर रहे। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो का रेस्क्यू, 8000 फीट से लगाई छलांग एमआई। लखनऊ में छात्रों में बवाल, 83 घायल छात्राओं से छेड़छाड़, बाद सैनिक और सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र भिड़े। मेरठ में पठान की रिलीजिंग पर जश्न, एसआरके फैन क्लब का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेलिब्रेशन, केक काटकर किया डांस। कन्नौज में परफ्यूम फैक्ट्री में धमाका, एक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरी, 2 की मौत, 18 घंटे में 15 को बचाए, मामले की जांच के लिए टीम गठित। झांसी में एसओ अजमेर सहित 4 सस्पेंड, 22 जनवरी को थाने में युवक ने चाकू से काटा था गला। चित्रकूट में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर सिंह पर एफआईआर, रामचरितमानस पर की थी अभद्र टिप्पणी। बरेली पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, एमएलसी स्नातक प्रत्याशी शिव प्रताप के समर्थन में मतदान करने की अपील की। अयोध्या में साइको किलर अरेस्ट, 3 महिलाओं के साथ रेप मर्डर कर चुका है, महिला को अगवा कर रहा था। अमेठी में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, गोली मारने का भी आरोप, गैंगस्टर अपराधी समेत 5 पर मुकदमा। गौतम बुद्ध नगर में भीषण सड़क हादसा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रक व कैंटर आपस में टकराई। स्वामी प्रसाद पर बीजेपी सांसद उपेंद्र पाठक का पलटवार, बोले विशेष वर्ग के वोटरों को खुश करने के लिए भगवान को गालियां दी जाती हैं। देवरिया में नाबालिग छात्र से छेड़छाड़, कोर्ट के आदेश पर आरोपी पर एफआईआर, गिरफ्तारी को दबिश दे रही पुलिस।
हापुड़ में ट्रेन को देरी चलाने पर आक्रोश यात्रियों ने किया हंगामा, रेल मंत्री से लेकर पीएमओ तक की शिकायत। आगरा में रेल बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दो दिन में चार युवक पर की कार्रवाई, दो कारें सीज कर दी गई। रुपए लेकर घर न बनवाने वालों पर सख्ती, प्रयागराज में डीएम के निर्देश पर आरसी जारी कर वापस कराए धनराशि। लवण्या अपार्टमेंट के मकान में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, धूप बत्ती बताई जा रही वजह। हरदोई में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में था वांछित, लंबे समय से चल रहा था फरार। भदोही के जिला अस्पताल में पूरी रात बिजली रही ठप, ट्रांसफार्मर खराब होने से अस्पताल व आसपास के इलाकों में छाया रहा अंधेरा। फतेहपुर में कमरे में सो रहे दंपत्ति को लगा करंट, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर, परिजनों ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर। गाजीपुर में 26 जनवरी को होंगे विभिन्न कार्यक्रम, जिला प्रशासन ने तय की रूपरेखा, सरकारी भवनों पर 8:30 बजे होगा झंडारोहण। चंदौली से 21 बंधुआ मजदूरों को कराया मुक्त, भागकर पहुंचे थे स्टेशन, आरपीएफ ने बचपन बचाओ संस्था को सौंपा। हापुड़ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, गाजियाबाद से घर लौट रहा था, गढ़मुक्तेश्वर ट्रैक पर पार करते समय हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन, सभी सीएससी पीएससी में लग रहा है टीका, डॉक्टरों ने की बचाव की अपील। असलहों से लैश कैट वैन के गार्डों की सरेराह, गुंडई मामूली बात पर बाइक सवार को सरेराह घेर कर पीटा। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।